राम राम सा। पुण्य आत्मा इंदिरा राम जी बाबर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज जो आयोजन किया गया है उसमें पधारे हुए सभी मुख्य अतिथि, सम्मानित मंच, सामने विराजमान सभी बड़ी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथ ही वीर पिता सोसाइटी के सभी सदस्य, सबसे ज्यादा इस सोसाइटी में गुरुजन से, तो सब में उन सबको नमन करती हूँ। आप लोगों ने सोसाइटी के सदस्य होने के नाते जो आयोजन किया है उसको फलीभूत करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। कुछ टाइम पहले, 5 दिन पहले हम लोगों ने जो मीटिंग की थी उसको सफल होता नजर आ रहा है। जो आयोजनकर्ता समिति ने, हम लोगों ने जो लक्ष्य सोचा था उस लक्ष्य से बढ़कर हमारे समाज के लोगों ने हमारा साथ दिया है, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही जिस प्रकार सामने पंडाल का दिख रहा है, सभी एक कोना महिलाओं के लिए होना चाहिए था, लेकिन मेरी माताएं बहने पीछे कोने पर बैठी है, उसी प्रकार मैं चाहती हूँ कि उन्हें आगे शिफ्ट किया जाए ताकि उन्हें भी समाज में बराबर हकदार हो। आज मैं चाहती हूँ कि इस रक्तदान शिविर में ज्यादा नहीं तो 2% महिलाओं ने भी अपना रक्तदान किया है और समाज में जो जागरूकता आएगी वो समानता से आएगी, तो इसलिए सम्मान जो दान दाता है उनका करना चाहिए और उन्हें आगे आने का मौका देना चाहिए। साथ ही मीटिंग के दौरान सिर्फ मैं अकेली महिला थी, जिस दिन मुझे लगा सारे जेंट्स टीचर यहाँ आए हुए हैं तो बराबर भागीदारी में हमारे महिला टीचर्स भी होनी चाहिए। मैंने खुद पर्सनली महिला टीचर से बात की, उन्हें आने के लिए इन्वाइट किया। बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती है लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ना एक महिला कर सकती है और करके दिखा सकती है। आज इस रक्तदान शिविर में महिलाओं ने भी रक्तदान किया है, उसका उदाहरण मेरे साथ पधारी हुई सरपंच सुखी देवी जी बिश्नोई उड़िया से मेरे साथ आई है। इन्होंने अपने जीवन काल में एक दो बार बुलेट पहले भी दे चुके हैं और आज सिर्फ एक बार कहते ही मेरे साथ हो गए। इसलिए जो रक्तदाता होते हैं वो बहुत ही सम्मानित हैं, उनको रक्त की वैल्यू मालूम है। जिन्होंने अपनों को कभी खून की कमी के कारण तड़पता देखा है, मरता देखा है, आप सबको मालूम है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो ग्रुप्स होते हैं उनमें ओ नेगेटिव या आरएस नेगेटिव वाले ब्लड होता है, बहुत ही कम रेयर चांस में मिलते हैं। लेकिन इस प्रकार के रक्त शिविर होते हैं जिसमें उस प्रकार का ब्लड अगर हमारे समाज के लोगों से कहीं भी इकट्ठा हो तो वो हमारे लिए बहुत ही शोभ की बात है, जिससे हम आगे किसी की जिंदगी बचा सकते हैं।